और अब बात करेंगे मर्दम शुमारी की। मुल्क भर में छठी मर्दम शुमारी जारी है। खाना शुमारी के बाद मर्दम शुमारी में भी कई खानदान के शुमार ना किए जाने की शिकायत सामने आई हैं। किसी गली में एक घर छोड़ दिया गया तो कहीं एक घर को शुमारी करके गली और मोहल्ले के दीगर मकानात छोड़ दिए गए। मुख्तलिफ शहरों से लोगों की शिकायत और मसाइल का जायजा लेंगे हमारे नुमाइंदगान। बराह रास्त सूरत हाल हमें बताएंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं जुबैर साजिद ढिल्लों और कराची से हमारे साथ मौजूद हैं सिदरा डार। जुबैर, सबसे पहले आप बताइएगा लाहौर में किस किस्म के मसाइल सामने आ रहे हैं? जी, मर्दमशुमारी का सिलसिला जो है मुल्क भर में जारी है, लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे लाहौर में घर हैं जहाँ पे खाना शुमारी को की टीम तो पहुँची नहीं थी। पहले तीन दिन दिए गए थे, 15 मार्च से जब ये शुरू हुए तो 15, 16 और 17 मार्च तीन दिन दिए गए जिसमें खाना शुमारी होनी थी, लेकिन वो खाना शुमारी में बहुत से घर शामिल नहीं हो सके। उसके बाद जब हमारी मर्दमशुमारी हुकाम से बात हुई तो उन्होंने कहा जी मर्दमशुमारी के साथ ही ये घर शामिल किए जाएंगे, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे एरिया हैं, जैसे मैं इस वक्त गुलबर्ग के एरिए में मौजूद हूँ, यहाँ पर अभी तक मर्दमशुमारी की टीम ही नहीं पहुँची, लेकिन कुछ घरों में पहुँची है तो साथ वाले घर में टीम नहीं पहुंची। अब हमारी जब हुकाम से बात होती है तो वो कहते हैं कि अगर हम एक ही रो में अगर मकान अगर घर में नहीं टीम पहुंची तो वो हमारी गलती तसव्वुर की जा सकती है, वरना ये दूसरे ब्लॉक जो है उसमें काउंट किया जाएगा। लेकिन हमने देखा है बहुत सी घरों में, बहुत सी गलियों में एक ही रो में एक घर में तो टीम पहुँच गई है, लेकिन दूसरे घर में टीम नहीं पहुँच रही। अब इसकी क्या वजह है ये हुकाम ही बता सकते हैं। हुकाम से हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं कि नेक्स्ट फेज में इसकी बारी आएगी, जबकि जो पहले तैयारी की गई थी मर्दमशुमारी की टीम की जानिब से वो पहले फेज में अगर एक रो में चार घर हैं तो वो चार घर इकट्ठे शुमार होंगे, ना कि बारी बारी होंगे। हमारे साथ रहेगा।